तो गाइस अभी आप देख सकते हो यार नाइट का व्यू, जो लाइटिंग वगैरह क्या बवाल वाला लुक दिया है। तो गाइस यार जस्ट मेघालय से आया एंड अभी निकल गया काम के लिए। जो मैं जैसे मैं बोला था कि जो एंगेजमेंट सॉरी रिसेप्शन पार्टी का बाजार बाजार करना, शॉपिंग वगैरह करना है, क्योंकि हम लोग वेडिंग का काम भी करते हैं हम लोग भैया के साथ। तो अभी निकल रहे हैं उसके लिए, बाजार करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं मास्कुआ एंड वहाँ पे निकालेंगे सब्जी। तो चलो आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मेरा लाइफस्टाइल कैसा होता है। एंड यहाँ पे मैं चेस्ट बेल्ट लगा लिया हूँ ताकि मैं जब मैं बाज़ार करूँ तो आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। एंड आप देखो मैं किस जगह से, मतलब कैसे दौर से गुजर रहा हूँ, किस जगह से। यहाँ पर पूरा बारिश का वजह से पूरा नदी का पानी बह गया पूरा। एंड यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ब्रिज बनाया। तो हमारा गलियाँ कुछ इस तरह का है और आगे अभी तो जस्ट KTM चला गया, अभी डीओ निकालना पड़ेगा क्योंकि KTM राइड के लिए ठीक है और जो डीओ है ना वो बाज़ार करने के लिए ठीक है। तो अभी डीओ निकल निकलूँगा, बाज़ार करूँगा। तो चलो मिलते हैं सीधा मास्को। अभी भाई जी एक बस्ता बोग रहा है, ये भाई जी एक बस्ता बोग रहा है और मैं एक बस्ता बोग रहा हूँ। तो इस बार का वेडिंग बहुत मतलब मेहनतदार जाएगा। बाबू भैया ये बहुत सारा सामान बोग रहा है, देखो हाथ खाली नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली। ये अपना ओरिजिनल चाकू है। मालिक को देखो, मालिक को देखो भाई, मालिक मालिक ये राहुल को तो राहुल। यहाँ पे 3 गाड़ी लोड हो चुका है और अभी निकलने के लिए तैयार है। तो अभी यहाँ पर सब सामान आ चुका है, जितना भी राशन पानी था सबका सब, इधर भी सब ग्लास भी है, सब पैक हो रहा है। अभी कल सुबह जाना पड़ेगा सब्जी बाजार करने, तो अभी सीधा आपसे मिलेंगे कल सुबह। तो गाइस यार सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 एंड जाने का प्लान था 5 बजे का, पर बाहर का वेदर देखो आप, कुछ ऐसा वेदर हो रखा है बाहर में। तो हम सुबह बिल्कुल भी उठ नहीं पाया, ऐसा बारिश में नींद भी खतरनाक वाला आया। तो अभी हम लोग निकलेंगे पामोई के लिए जहाँ पे हम लोग को सब्ज़ी बाज़ार करना है। कल तो सर राशन का सब हो गया, मसाला जितना भी तेल वेल सब हो गया, आज लेना सब्ज़ी बाज़ार। चलो चलते हैं, अभी राजन भाई आ रहा है गाड़ी लेके, तो जाएंगे हम लोग पामोई, वहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट चलता है सब्जी का। तो चलो फिर पामोई जाके आपको दिखाते हैं सब्जी मार्केट। सारा बाज़ार हो गया है, अभी सब माल लोड करके फिर निकलना है घर के लिए।
7:30 बजे आ चुका है हम लोग उड़न में, सब मतलब रख दिया अभी। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है देखता हूँ, अभी क्या क्या बाजार करना पड़ता है, मसाला तेल वेल सब आ गया एंड सब्जी बाजार भी सब आ चुका है। अभी शायद पैनल का काम होगा, शायद जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पैनल मर रहा है वहाँ पे जाना पड़ेगा शायद। तो चलो यार देख सकते हो कितना सारा सब्जी बाजार है, गाजर है, लहसुन, मिर्ची, भिंडी, बैंगन, क्वास, फूलगोभी, पुदीना, नींबू, मतलब बहुत सारा सब्जी है, मतलब सब मसाला है, मसाला दूध वगैरह सब है। इधर ग्लास पे भी रखा है, मतलब पूरा फुल टू रेडी है, इधर सब ये सब सब जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगला पड़ाव पे, नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है देखते हैं हम लोग। सुबह का सब्जी बाजार भी हो चुका है, अभी जा रहे हैं पैनल का काम में, देखेंगे पैनल का काम कैसा चल रहा है, जो मतलब जो डेकोरेशन करता है ना उसका काम में। तो चलो फटाफट चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, फिर वहाँ पर चल रहा है पैनल का काम, क्योंकि मेरा आगे ही है, यही होना चाहिए। हाँ यही है, ये वाला है इंस्टीट्यूट। अभी चल रहा है पेंडल बनने का काम, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा वपड़ा सब लगाया जा रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो पूरा रात भर रहना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सब जितना भी सब खुला हुआ है, सब कपड़ा लगेगा मैंने बढ़िया से डिजाइन होगा। मैं लास्ट जो लास्ट मोमेंट में दिखा दूंगा कि कैसा हुआ है लास्ट फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग टचअप। अभी सब सुनसान पड़ा हुआ है, बट बाद में देखना क्या मज़ा होगा। तो गाइस हॉल का सीन कुछ ऐसा है, यानी ये बनने के बाद ना आप देखना क्या सुंदर लगता है, जब सारा डेकोरेशन हो जाएगा, लाइटिंग वगैरह सब जब सब हो जाएगा तब उसके बाद देखना कितना सुंदर लगता है ये जगह। तो गाइस 50% काम हो चुका है, आप देख सकते हो पहले यहाँ पर कुछ मुताबिक कपड़ा पर लगाया जा रहा है, 50% काम हो चुका है इधर में। सो गाइस अब मतलब पैनल का भी इतना काम था ना सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जितना भी पैनल का अंकल लोग का चला गया, अभी कल सुबह आएगा मॉर्निंग को आके पूरा बाकी सब सब एकदम जो होता है फिनिशिंग वाला काम करेगा। अभी बस जो जितना काम था मेरा पीछे देख सकते हो सब लगा है, ऊपर में तुम्हें भी लग चुका है, फिर उस साइड में लग चुका जैसे उस साइड में लगा, जितना थोड़ा डिफरेंट है उसमें डिफरेंट है। नीचे का बॉर्डर है ना वो सब करना बाकी है, अभी तक लुक करने के बाद जो लास्ट मोमेंट लुक आएगा ना वो एकदम तबाही वाला लुक होगा। आप देखो और हम मिल लेंगे फिर अभी कल, क्योंकि अभी और नहीं होने वाला है, तो कल सीधा मिलते हैं आपको। सुबह से बहुत ज़्यादा काम, खाना वाना बनेगा सब दिखाऊंगा आपको। चलो अभी के लिए बाय बाय। सो गाइस अभी सुबह के बच्चे 11 एंड हम लोग सुबह 8 बजे आ गया था, और अभी जो हॉल का अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, पूरा चेयर वेयर लग रहा है चारों तरफ, एंड इधर देख लो चेयर वेयर सब लगा, फैन वैन सब चल रहा है, सफाई भी उधर तुम्हें सफाई भी हो रहा है, एंड अभी फुल का डेकोरेशन हो रहा है, एंड अंदर खाना भी बन रहा है, खाना बनता है। और पहले आपको फुल का डेकोरेशन दिख रहा है कैसा टाइप का डेकोरेशन कर रहे हैं। चलो तो इधर भैया लोग फुल डेकोरेशन कर रहे हैं अभी ना भैया, यहाँ पे गणपति महाराज, सभी डे टाइम में कुछ ऐसा लुक्स दे रहे हैं। अभी चलते हैं किचन रूम का तरफ, पहले किचन रूम में क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे खाना वाना सब बन रहा है, यहाँ पे देख सकते आलू भुजिए, यहाँ पे मसाला पीस वीस कर रखा जा रहा है, सब किचन में मस्त खाना बन रहा है। रात को टेस्ट जो आएगा ना बवाल वाला होगा। चलो अभी काम पे ले जाना है, टेबल वेबल सब लगाया जा रहा है, चल रहा है बुफे सेट का काम, है कि नहीं भैया। यहाँ पे खाना जो रखेगा ना बुफे सेट वगैरह उसको बनाने का काम चल रहा है अभी। चल रहा है एंड बाहर एकदम भयंकर वाला गर्मी है, इसमें तो पसीना पसीना, अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आया ना पसीना पसीना हो गया। टाइम रहा 11:46 एंड सुबह कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ सुबह चाय पिया था, कोई भी ये लोग कोई भी कुछ नहीं खाया, चाय पिया था सुबह के उसके बाद कुछ भूखा पेट है अभी तक। और बाकी आपको सीधा मिलता है रात को, पूरा लाइटिंग वाइटिंग के साथ दिखाएंगे कैसा व्यू आ रहा है। तो चलो सीधा रात को मिलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यार नाइट का व्यू, जो लाइटिंग वगैरह क्या बवाल वाला लुक भी है।
ट्रिक मतलब ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट अभी, मतलब जो पार्टी था ना रिसेप्शन पार्टी वो ख़त्म हो चुका है। मैं अभी स्टेज का लेता था ना, थोड़ा सा पहले इतना पब्लिक इतना क्राउड था, जो मतलब जितना भी इन्वाइट आदमी लोग था इतना क्राउड था, लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मैं इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाऊँ। एंड अभी अब देखो ये सब, आप देखो कितना कचरा है पूरा, मतलब सब ख़त्म हो चुका है। अभी इधर हमारा बाबू भैया, हमारा क्रू मेंबर अजीत भैया, क्रू मेंबर थका हारा, मतलब लेट चुका है, रात भर सोया नहीं है, आँख पूरा लाल हो गया, रात भर सोया नहीं है। अभी थोड़ा टाइम कोशिश करेंगे थोड़ा टाइम सोने के लिए। जी जी, अभी मतलब हम लोग घर नहीं जा रहे, हम लोग राजेंद्र कार में सोएंगे, खाना भी ख़त्म हो चुका है। गुड मॉर्निंग, सुबह 8 बजे से मतलब वो लोग को ब्रेकफास्ट देना है, तो इसलिए अभी रात भर हम लोग का सामान सब यहाँ पे है, इसलिए पूरा होम लाइफ हम लोग को रहना है। गर्मी से बुरा है, क्योंकि वो पूरा ना खाना पूरा गर्म है यार। हम लोग सोच रहे हैं क्या, अगर आप लोग भी गुवाहाटी से है ना, आप लोग हम लोग को इन्वाइट कर सकते हो, मतलब हम लोग जो ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो विजिटिंग कार्ड दिए रहा, इसमें 2 नंबर है, आप किसी में कॉल कर सकते हो। आप लोग अगर बाइकर भी की बोलते हो ना, तो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, और मतलब आप कॉल कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं आपसे। बाकी पूरा A to Z हम लोग काम करते हैं, रिसेप्शन बोलो, बर्थडे पार्टी बोलो, A to Z और सब पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोग क्रू मेम्बर है 4-5 है, सब लोग उसे करते हैं। आपको भी फोन करो, बोलना है बहुत कष्ट हो गया, अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करने का चेष्टा करते हैं, हाफ एन आवर 1 घंटा जो होता है, फिर उठ के तो काम करना ही है। आप लोग अगर यहाँ से जैसा बुकिंग ने बोला, जैसे अगर आप लोग यहाँ से है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अस, उसका नाम बोलने से हम लोग थोड़ा डिस्काउंट भी करेंगे। समझ रहे हो ना, अभी के लिए हम लोग पूरा पावर नैप ले लेते हैं, फिर सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा। अभी के लिए गुड नाइट, जरूर से कांटेक्ट करना, इधर हमारा जीत भैया जरूर से कांटेक्ट करना यार, अगर मुझे प्यार करते हो जरूर से कांटेक्ट करना, किसी का भी शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, मतलब A to Z काम करते हैं हम लोग। अभी के लिए राइट।